मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक दिन ही जल्दी उठे तुम है, एक दिन ही जल्दी उठ कर रहे। चलो उठो, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? गुड मॉर्निंग। नो, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। क्रीम थोड़ी जा ले, रुपया ले है, रुपया ले है, रुपया ले देखो, ये बड़े मार्केट से ले दिए। हाँ, और दीदी दीदी के पास दीदी से भाई पहले ही उम्र के लिए देख ली जिस तक बोलता है। का काम शुरू। पहले मैंने झाड़ू लगाऊंगी, अंदर लगा लिए मैंने झाड़ू, मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर झाड़ू वाड़ू लगा के फिर आज भी खेत में जाना है। कल एक लाइन तो पलट दी थी, आज दूसरी पलट के आएंगे, दोनों साथ ही जाएंगे। आज मम्मी जी नहीं जाएंगी, मम्मी जी गई पेंसिल लेने। अब जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के फटाफट सारा काम ख़त्म करके आज खाना भी यहीं खाएंगे, खेत में भी खाना नहीं खाएंगे। भी एक कपड़े टांगरी में रखे थे सोफे पे, बाकी झाड़ू अंदर की लग गई, कमरे की बरामदे की भी लग गई है, और बाहर की झाड़ू रह रही है। बाहर की झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ से झाड़ पूछ करके फिर बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। आप देखते रहिए। अब मैं यहाँ पर पोछा, यहाँ झाड़ू वाड़ू लग गई है, अब मैं पोछा लगाऊंगी। पहले अंदर कमरे में लगा के आऊँगी, फिर बाहर लगाऊंगी। कमरे में हो गया कंप्लीट, बाहर लगा रही हूँ पोछा, बरामदे में लगाऊंगी। चौक में तो पोछा नहीं लगाती, चौक में वाईफाई से धो देती। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब मैं आज मैं आप लोगों के लिए कोई ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी। अंदर भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया है, काम खत्म हो गया है सारा। अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए, मैंने बहुत 3 दिन हो गए मैं कोई ब्यूटी टिप्स नहीं लेके आ रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं लेके आ रही वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। क्यों नहीं, मैं इसलिए नहीं लेके आ पा रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों पर वीडियो बनवा लेती थी मैं, क्योंकि फिर दोनों हाथ तो ना, फिर एक हाथ तो वीडियो में रहता है और एक हाथ से नहीं हो सकता कुछ भी, तो बच्चे रहते थे तो वो उनकी छुट्टी नहीं है, अभी संडे से पहले कोई टिप्स नहीं दे सकती, इसलिए नहीं आ पा रही थी कोई टिप्स। लेकिन आज मैं एक आइडिया सोचा है, उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। लेकिन आपने फिर भी कोई कमेंट नहीं किया, प्लीज़ कमेंट तो करो। आपको मेरा ब्यूटी टिप्स पसंद आ रहा है, मैंने मेकअप टिप्स डाले थे, आप लोगों को कैसा लगा ये भी नहीं। मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, कैमरा स्टैंड नहीं है, और स्पीकर भी नहीं है, अभी माइक भी नहीं है, जिससे कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी कटी होगी आप लोगों को। लेकिन इसका रीज़न ये, धीरे धीरे सब कुछ लेके आऊँगी, धीरे धीरे सब शुरुआत करूँगी, अभी शुरुआत है तो धीरे 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 करेंगे सब कुछ। लेकिन आज आप लोगों की वीडियो रील लेके आऊँगी, खास वो रील जरूर देखना, कल भी नहीं डाल पाई मैं वो रील, लेकिन आज जरूर डालूंगी, आज मैं फ्री हूँ। तो अभी मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए बताऊंगी, जैसे कि सर्दियों में हमारी स्किन ब्लैकनेस सी हो जाती है, ब्लैक सा हो जाता है जगह जगह, तो ब्लैकनेस सी कैसे खत्म की जाए, क्योंकि सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं तो उस वजह से थोड़ा ब्लैक हो जाती है, मेरे भी हो रही है। लेकिन मैं कैसे ठीक करूँगी, हर बार करती हूँ मैं, हर सीजन में ऐसे ही ठीक करती हूँ, अब की बार भी ऐसे सीजन में ठीक करूँगी, तो आप लोगों को भी बताऊँगी। लोग भी ठीक करना, अपनी कुछ नहीं लगता, सिर्फ दो तीन चीज़ लगती है, वो भी वो जो हमारी किचन में। लगी गुड़िया लगे तुम आकर देखा।
भेज गए होगे ना। लाइट तो आई होगी कुहाड़ी, गलत पकड़ रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा। कुहाड़ी लाइट तो आई होगी है ना, भेज गए होगे ना। भेजोगे तो शाम ना फिर आना पड़ेगा, भेज गया लग गया। मन तो यही लग है, लेन चल ही लग है। हाय गाइस, मलिक की तरफ से राम राम। चल ही तो लग गया कुन्ने मन, तुम चल रहे ही लग गए। कुछ काम करके जाए और वो काम ना होए, पानी वाला कुछ ठीक रहेगा। अपने दोनों कोई काम करते हैं ना तो वो पूरा ही होता है। लगन होनी चाहिए ठीक। यहाँ तक लाइन लगा रखी है ना, अब नेक्स्ट वहाँ पर लगानी है। आज तो खेत में मैं तुम ही से बस है ना, ले आएंगे ये वाला हमारा फार्म है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें डेयरी खोलेंगे अभी कुछ दिन में, सोच रहे हैं डेयरी खोलेंगे। डेयरी खोलेंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे, पहले अभी ये गेहूँ वेहूँ हो जाए, ये कट जाए, फिर डेयरी खोलेंगे। ओके ये मैं तो आज फिर आ गई अपने हस्बैंड के साथ काम कराने। कल एक लाइन लगा के गए थे, वो कंप्लीट भर गई है अच्छे से, खूब अच्छे से। रात भर लाइट आई थी, आज पलट के लाइन दूसरी लगाएंगे तो दूसरा भी भर जाएगा। और फिर कल तो नहीं, शायद परसों हम खुला पानी देंगे जब दिखाएंगे। खुला पानी देंगे ना जब, बहुत मजे आते हैं, बहुत मस्ती करने को मिलती है। उस दिन खेत में चूल्हे पे कुछ बनाएंगे भी और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर भी करेंगे और दिखाएंगे। ओके आपको दिख नहीं रहे होंगे, अब दिख गए। अब जा रहे हैं वो पाइप खोलने के लिए, फिर लाइन लगाएंगे अब हम दोनों मिलके। आप लोग देखना कैसे करते हैं हम काम। ओके तुम तो बेवजह टेंशन कर रहे थे, एक तो ना अपने घर में बहुत वो करी। पापा जी क्या कहते हैं, मोटर कौन चल रहा है ना, चलिए ना चलिए। आप दोनों पीछे करिए, चलो तीन मिल जाए है ना, मौज आ जाएगी। अब हम जा रहे हैं पंप लेने दूसरे खेत में से, क्योंकि हमारे पंप कम है और इसमें और पंप लगाएंगे जब दूसरी लाइन पूरी होगी। नहीं ये वाली लाइन तो हो जाएगी पूरी नहीं ना, ये अब जो नेक्स्ट बदलोगे तुम तो एक और चाहिए ना, एक में हो जाएगी ठीक है। और फिर जब तीसरी कल आई ना रात को लाइट, जब तो तीन चाहिए जल्दी कहाँ चले। वो ये हमारी जई बुई है, देखो ये हमारी सरसों कैसी हो रही है, सरसों बताओ। तुम मुझे छोड़ के चले गए पीछे, मैं तो सोच रही थी तुम मेरा साथ साथ चलोगे। अच्छा गाना गा रहे हो, सात समुंदर में पार तेरे पीछे पीछे आ गया। तुम मेरे पीछे पीछे सात समुंदर पार ही आए हो वैसे तो है ना। नहीं गिरे, कहाँ पर है बता दो, कहाँ पर दोनों ले आए। अच्छा अभी गिर जाती मैं तो। हाँ मुझे थोड़ा कम आवे, तुम्हारी डोली पता नहीं अजीब से, इन पर चलना मुझे थोड़ा कम आवे, पर तुम्हारे साथ साथ तो मैं चली जाऊं, चाहे कहीं भी चला लो तुम। शाबाश बेटा, बीच बीच में मस्ती करती रहती हूँ फन। लाइफ में एंजॉय भी जरूरी है, एंजॉय करते रहना चाहिए सभी को। अभी गिर जाती ओए मम्मी, अभी ये पैर कुछ देसी गए नीचे। अब बताओ क्या बोल रहे थे तुम, दिमाग तुम्हें हाँ।
दिमाग तो सही या लाइन न्यू आ जाने के अच्छे तो चल तो या करवा दे ये फोन ना तो दर्द है पास बनाई वीडियो तुम वीडियो बहुत सुंदर लागो थरे को न्यू कर दे खोलो खोलो वो बता ओके तुम्हें तो आदमी चल ये कर दे चलो चलो जय किसान जय जवान जय किसान ओके आ जाओ मेरे जवान डेली सोचू आज वीडियो में कुछ करूंगी लेकिन पानी का लड़ो है सोचू अच्छा बताओ आज का काम कैसा रहा आज का काम बहुत बढ़िया पेन बदल दी काम हो गया खत्म सारा काम हो पर तो, तुमने कितना थकाया है मुझे बहुत मैंने काम कराते रहते हो अच्छा तो अब एक गाना सुना दो तो मैं अनपढ़ मुंडे गवार ऐसे मत ये गाना मत गाओ कोई अच्छा सा मेरे लिए डेडिकेट करो आज एक गाना तुम मैं सिंगर तुम तो मेरे सिंगर हो मैं गाना ना गाया प्लीज मेरे लिए भी नहीं गा सकते तुम ये पतला दुपट्टा तेरे मेरे मोदी के गोरी मोदी के करने के दिन किया बात बात है क्यों जी का अच्छा पहले के अभी आई मारो बेटे चुप चुप कुछ खाती रहती हो आज पकड़ी गई तुम आज पकड़ी गई तो पकड़ी गई तुम ये मत कहियो टेंशन मुझे दोगी तुम्हारे बेटे दोगी दोनों दोनों ने की दोगी तुझे ली तलाव में ना देख लो मेरी सासु मन ने पेंशन देखा देख लो और देख लो मेरी सासु मन ने पेंशन देखा मिले मिलेगा किसी का सासु बताओ जल्दी बताओ मुझे बताओ मेरी बहू ने मेरी बहू ने बहू ने दोगी देख लो पीटीओ में दे रही है कि सच में मन दे हां हर बार पेंशन देख लो तो मैं ना देवा तो मम्मी पेंशन मन नहीं देंगी मीडिया में थोड़ा सा बेसन 1.5 चम्मच के करीब बेसन लिया है और 1.5 चम्मच के करीब ही दही लिए ये दही इसमें मिला लेते हैं ओके इसके बाद ये इसको कर लेते हैं इस तरीके से ये पैक बन गया है इससे बहुत ज़्यादा नेचुरल सा हो जाता है अभी इसमें एक चीज़ और डालेंगे हम मैं भी आपको बताती हूँ वेट डालेंगे थोड़ी सी हल्दी ज़रा सी बिल्कुल नाम की ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी ज़रा सी हल्दी डालनी अब हम इस पैक को लगा के बताते हैं कैसे लगाना है अब मैंने मेरा फेस वॉश तो कर लिया अच्छे से फेस वॉश कर लेना है पहले उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया फेस को अच्छे से वॉश पूछ लेना है अच्छे से क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह जो जड़ से तो मैंने फेस वॉश कर लिया है लेकिन फिर भी पूछ लेना एक बार फेस को अच्छे से नेक पर भी पूछ लेना थोड़ा सा ओके अब हम अपना पता है काफ़ी ज़्यादा असर मिलेगा इस चीज़ से पर फर्स्ट क्या करेंगे हम एलोवेरा होता है मुट्ठा भी बोलते हैं इसको एलोवेरा भी बोलते हैं इसको ये तो मैंने तो बो रखा है अब
अपना, या फिर वैसे तो है ना एलोवेरा भी आता है, जिसके पास ये ना हो वो एलोवेरा जेल भी ले सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेचुरल और बढ़िया रिजल्ट यही देता है। अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो यही लेना, और ना हो तो कोई बात नहीं, एलोवेरा जेल भी आता है वो ले सकते हैं उसके। ओके, उसका थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, इस तरीके से घुमा लो थोड़ा सा नेक पर इस तरीके से करते रहो, काफ़ी माथे पर भी करना है। ओके, ये जो फुंसी पिंपल्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से करने से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया असर आता है, एकदम बेस्ट ऑन बेस्ट रिजल्ट आएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लिप पर से साफ़ कर लेना है किसी कपड़े से, क्योंकि फिर अंदर कड़वापन जाता है और कड़वापन से फिर सारा मुँह भी कड़वा होता है, ठीक है। ओके, अब हमने एलोवेरा जेल लगा लिया है, अब हमने जो पैक बनाया था इसको लगाएंगे। ओके, इसमें हमने मिलाई है थोड़ी सी हल्दी, बेसन और दही। मैंने आपको दिखाया था कितनी क्वालिटी लेनी है इसकी, उतने उतने ही लेनी है, क्या। अब हम पैक लगाते हैं दो फिंगर से, इस तरीके से इसको राउंड राउंड करके लगाना है। ओके, इसे फुल फेस पर, थोड़ा नेक पर भी लगाना है, और लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट के बाद इसका रिजल्ट बेस्ट होता है। ओके, सर्दियों में स्किन जो होती है वो सब ठीक हो जाएगी। अब हम पैक लगाते हैं दो फिंगर से, इस तरीके से इसको राउंड राउंड करके लगाना है। ओके, इसे फुल फेस पर, थोड़ा नेक पर भी लगाना है, और लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट के बाद इसका रिजल्ट बेस्ट होता है। ओके, सर्दियों में स्किन जो होती है वो सब ठीक हो जाएगी। हेलो गाइस, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे भूगोल, ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे आज, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पहले ज्योग्राफी के बारे में कुछ एक झलक पढ़ लेते हैं, वो क्या है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। भूगोल का क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पढ़ेंगे आज हम, ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। ओके, आज हम भूगोल पढ़ेंगे, जैसे कि भूगोल होता क्या है। भूगोल जो हमारी मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में जितना भी ब्रह्मांड में, पाताल में, और आकाश, सौरमंडल, ब्रह्मांड, और ये जितनी भी चीज़ें आएंगी ना, ये सारी भूगोल के अंदर आएंगी। अब हम पहले भूगोल शुरू करते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा भूगोल में, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड है क्या चीज़। अस्तित्व, मान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जो हमारी मतलब ऊर्जा होती है, द्रव्य होता है, जो कि आदि चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, और जो आदि अदृश्य होती हैं, उन सब वो सभी इस ब्रह्मांड में ही सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, मैं सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। वेट, मैं पूरा पढ़ के आपको भी बताती हूँ ब्रह्मांड के बारे में। तो आज की हमारी पढ़ाई कंप्लीट होगी। आज हमने इसमें क्या इम्पोर्टेंट देखा, ब्रह्मांड में के अंदर ही जो आते हैं महाविस्फोट होते हैं, जैसे भूकंप हो जाता है, ज्वालामुखी फूटना, या महाविस्फोट होना। महाविस्फोट होता क्या है, और ये कैसे, कब आया था हमारे पृथ्वी पर, महाविस्फोट कब हुआ था। तो महाविस्फोट कब हुआ था, वैज्ञानिक साइंटिस्टों के अनुसार महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था, ठीक है। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ था। ये बात तो मुझे पता थी, सौरमंडल का जो विकास हुआ था उसके बाद ही ग्रह और उपग्रह बने थे हमारे। ये जो हमारे ग्रह और उपग्रह हैं, ये कब बने थे, जब सौरमंडल का विकास हुआ था। और सौरमंडल का विकास कब हुआ था, जब ये महाविस्फोट हुआ था। ओके, अगर इस चीज़ में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। प्लीज़ यार, व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे व्यूज़। मतलब आप व्लॉग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, लेकिन कोई ना तो लाइक कर रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है, और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं।
व्यूज डेली के डेली व्लॉगर्स व्लॉग देख रहे हैं मेरे, जो भी हैं काफ़ी व्लॉगर्स भी हैं जो व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि मैं सर्च करा है जो जो व्लॉग देख रहे हैं, मुझे पता है वो उन लोगों के बारे में। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्लॉग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं किया और ना लाइक किया ना कमेंट किया, प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक कमेंट करो यार प्लीज़।